नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी। मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, तो 4 साल पुराना ये पूरा मामला बताया जा रहा है जिसके खिलाफ अब ये वारंट जारी किया गया है। तो तेलंगाना में धोखाधड़ी के मामले में ये वारंट जारी हुआ है, तो कोर्ट से गैर हाजिर रहने के बाद ये वारंट को जारी किया गया है। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी जो है वो मुश्किलों में है और अब गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है। खम्मम जिले के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। तो कलावती नाम की महिला ने रेणुका चौधरी पर धोखाधड़ी की याचिका कोर्ट में दायर की थी और रेणुका चौधरी ने कोर्ट की नोटिस को वापस दिया और कोर्ट में सुनवाई और पुलिस की जांच पड़ताल में भाग लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब खम्मम के फर्स्ट क्लास कोर्ट ने गैर जमानती वारंट आज जारी किया है और रेणुका चौधरी की जो मुश्किलें हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए R9 टीवी।